आइए दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट्स दुनिया में दिल से स्वागत है। तो आज हम 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल जयंती के इस खास मौके पर श्री सरदार पटेल का जीवन चरित्र का स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। दोस्तों, उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वल्लभ भाई पटेल की लाइफ स्टोरी को थोड़ा करीब से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को भारत के गुजरात जिले में खिनड़ियात नामक गाँव में हुआ था। तब वे ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। उनके पिता के नाम जवाहर भाई पटेल था और उनके माता के नाम लाडबा था और उनके चार भाई भी थे, सोमा भाई पटेल, नरसिंह भाई पटेल, विठल भाई पटेल, काशी भाई पटेल, और उनकी एक बहन भी थी, उनका नाम दहीबेन था। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई गुजरात से की और फिर मिडिल टेंपल इनर्स ऑफ कोर्ट लंदन इंग्लैंड से उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की। सन 1893 में 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी जवेरबा पटेल से हुई, जिसे उनका एक बेटा डाहिया भाई पटेल और एक बेटी मणिबेन पटेल हुई। इतनी कम उम्र में शादी होने की वजह से उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 10वीं पास की। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसिक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वल्लभ भाई पटेल ने कानून में अध्ययन करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई पटेल ने अपना घर भी छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ गोधरा में रहने लगे। सन 1909 में उनकी पत्नी गंभीर रूप से कैंसर से पीड़ित होने लगी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे उन्होंने काफ़ी बड़ा धक्का लगा। वल्लभ भाई पटेल एक बैरिस्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने परिवार से बहुत दूर रहे और पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों के किताबें उधार मांगते थे। इन सब के बावजूद उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में मिडिल टेंपल इन लंदन से 36 महीने के बैरिस्टर के कोर्स को मात्र 30 महीने में पूरा किया और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। भारत वापस लौटने के बाद वे गोधरा में बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करने लगा और जल्दी ही उनकी प्रैक्टिस भी पूरी की गई। प्रैक्टिस पूरी करने के बाद वल्लभ भाई पटेल को एक गंभीर बीमारी को सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने संक्रामक रोग हुआ था। जब वे इंग्लैंड में कानून का अध्ययन कर रहे थे तब अंग्रेजी जीवन शैली में बहुत प्रभावित किया। इंग्लैंड से लौटने के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अंग्रेजी में बात करने शुरू कर दी और सूट और टाई पहनना भी शुरू कर दिया। उस समय वो अहमदाबाद में प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे और उन्होंने आपराधिक मामलों के जीतने के लिए जाना जाता है। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों के आग्रह पर 1917 में अहमदाबाद के नगरपालिका का चुनाव लड़ा और उनको जीत हासिल की। दोस्तों, शुरुआत में वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी की कोई विचारधारा में संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने किसानों के लिए नील क्रांति यानी इंडिगो रिवोल्ट को शुरू किया, तब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए। एक बार गुजरात के खेड़ा में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे पूरी फसल खराब हो गई। सभी किसान लोग सरकार से टैक्सेस पर छूट मांगने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनकी मांगें मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न ग्रुप के बटे किसानों को एक किया और उनका नेतृत्व करके अहिंसात्मक खेड़ा आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी हुकूमत और आंदोलनकारी के बीच काफ़ी संघर्ष चला। अंत में अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और उन्होंने टैक्सेस में छूट देनी पड़ी। इसी तरह वल्लभ भाई पटेल की पहली जन आंदोलन सफलता थी। इसी तरह उन्होंने बारडोली आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन करके वहाँ के किसानों को भी लगाव से मुक्त किया। यही नहीं, इस आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार को किसानों से हथियाई जमीन और जानवरों को वापस करना पड़ा और गिरफ्तार किसानों को भी माफ़ करना पड़ा। गांधी जी उनके लगातार दो सफलतापूर्वक आंदोलन के कारण काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें सरदार की पदवी से सम्मानित किया, जिसके बाद वे सरदार वल्लभ भाई पटेल से नाम से प्रसिद्ध हुए। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब सरदार पटेल ने महात्मा गांधी जी को संपूर्ण समर्थन देते हुए अपने अंग्रेजी कपड़ों को फेंक दिए और खादी के वस्त्रों पहनना शुरू कर दिया।
वर्ष 1920 में उन्हें गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वो भी तीन बार, 1922, 1924, 1927 को इस पद के लिए चुने गए और इस पद को 1945 में अपने कार्यों से सुशोभित किया। 1940 के दशक में भारत में आज़ादी के गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई और अन्य क्रांतिकारियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन आज़ादी का संघर्ष करता रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 से भारत को छोड़ना पड़ा। आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला गृहमंत्री और भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत के अंदर समस्याओं कम न थी। देश में 562 रियासतें थी जिन पर अंग्रेजी हुकूमत का कोई जोर नहीं चलता था, जिस कारण वो इंग्लैंड चले गए थे। फिर वो जोखिम भरे काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में ले लिया। जब ही उनके अविश्वसनीय प्रयासों से लगभग सभी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए, लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और हैदराबाद का निज़ाम एक हैदराबाद को स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत में ही शामिल होना चाहती थी, जिस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनता के साथ मिला। भारत को आज़ादी मिले 1 साल 1 महीने 3 दिन हो चुके थे, फिर भी हैदराबाद का निज़ाम भारत से अलग ही रहा। तब गंभीरतापूर्वक सोचते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 सितंबर 1948 में सैन्य कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। आखिरकार निज़ाम को भारतीय सेना के सामने झुकना पड़ा। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसे खून करने के किसी भी व्यक्ति के रक्त भी एक बूंद भी नहीं भरी थी, जिस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी और उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना जाता था। वर्ष 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई थी। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 4 साल लग गए और भारत सरकार द्वारा इस पर 2,989 करोड़ रुपये का खर्च किए गए। 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा उन्होंने भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और फैक्स दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू।